नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सरल जीवन बीमा को। सिर्फ 10 पॉइंट में हम बात करेंगे और पूरे सरल जीवन बीमा को हम कवर कर लेंगे। दोस्तों, सरल जीवन बीमा, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, एडाई का एक नया जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है, बहुत ही ये कारगर साबित होने वाला है इंडिया में। और इस प्लान के बारे में आपको मैं सिर्फ 10 पॉइंट में पूरा प्लान कवर कर दूंगा। तो आइए इसको देखते हैं, इसके क्या 10 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट जो आता है हमारा, वो है मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज एंड एंट्री। यानी जब आप पॉलिसी बाय करेंगे, उस टाइम पे आपकी कम से कम क्या एज होनी चाहिए और मैक्सिमम क्या एज होनी चाहिए। तो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 65 वर्ष। तो आप 18 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष की उम्र तक इस पॉलिसी को कभी भी बाय कर सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष से कम है तो ये पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, और अगर आपकी उम्र हो गई है 65 वर्ष से ज्यादा तो भी आप ये पॉलिसी बाय नहीं कर पाएंगे। नंबर टू पे आता है दोस्तों पॉलिसी टर्म, कितने साल के लिए पॉलिसी ले पाएंगे। तो आप पॉलिसी कम से कम 5 वर्ष के लिए ले पाएंगे और मैक्सिमम ये पॉलिसी 40 वर्ष के लिए ले पाएंगे। यानी 5 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। आप 5 वर्ष से कम का पॉलिसी नहीं ले पाएंगे और 40 वर्ष से ज्यादा का पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। अगला जो बात आती है वो है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, यानी ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो आप कितनी उम्र तक इसकी मैच्योरिटी बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, तो जब आपकी उम्र होती है 70 वर्ष तो उसके बाद ये पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर आपने 65 वर्ष की उम्र में ये पॉलिसी ली है तो आप सिर्फ 5 वर्ष की ये पॉलिसी ले पाएंगे, क्योंकि 65 प्लस 5 70 हो जाएगा और आपकी 70 वर्ष के बाद पॉलिसी नहीं चलने वाली है। तो आप मैक्सिमम इस पॉलिसी को 70 वर्ष की उम्र तक ले सकते हैं। यानी अगर आपकी उम्र हो गई है 20 वर्ष तो आप इसकी मैक्सिमम, बोला है 40 वर्ष का पॉलिसी लेना है, तो 20 प्लस 40 यानी आप 60 वर्ष का पॉलिसी ले पाएंगे। अगर आपकी उम्र है 30 वर्ष तो आप 30 प्लस 40 70 वर्ष का पॉलिसी ले सकते हैं। और अगर आपकी उम्र है 40 वर्ष तो आप 40 वर्ष का टर्म नहीं ले पाएंगे। उस कंडीशन में भी आपको सिर्फ 30 वर्ष का ही टर्म लेना पड़ेगा, तो आपका पॉलिसी 70 वर्ष से पहले ही मैच्योर होना चाहिए। 70 वर्ष के बाद ये पॉलिसी एक्सटेंड नहीं होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब होता है दोस्तों आप कितनी राशि का बीमा लेते हैं। इसको बीमा राशि भी बोलते हैं, सम एश्योर्ड भी बोलते हैं, पॉलिसी अमाउंट भी बोलते हैं, किसी भी नाम से लीजिए। तो यहाँ पे आपको कम से कम 5 लाख का पॉलिसी अमाउंट लेना पड़ेगा और मैक्सिमम ये पॉलिसी अमाउंट है वो 25 लाख का हो सकता है। तो आपके लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो है कि आप 5 लाख से 25 लाख के बीच में सम एश्योर्ड ले सकते हैं। 5 लाख से कम का सम एश्योर्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, 25 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगला जो पॉइंट आता है वो है प्रीमियम पेमेंट, यानी आप प्रीमियम का भुगतान कैसे कर सकते हैं। प्रीमियम का भुगतान का मतलब है आपके पास क्या क्या फ्रीक्वेंसी रहती है प्रीमियम पेमेंट की। तो यहाँ पे आपको मंथली पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप हर महीने प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो क्वार्टरली प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, हर तिमाही पे भी आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, और आप चाहे तो हाफ ईयरली प्रीमियम का पेमेंट भी कर सकते हैं, हर 6 माह पे प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं, और आप चाहे तो साल में एक बार भी प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपके पास 4 ऑप्शन हो जाते हैं प्रीमियम पेमेंट को लेकर के। अगला जो पॉइंट आता है वो है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड का मतलब होता है दोस्तों अगर किस पीरियड के अंदर कोई क्लेम आता है तो उस कंडीशन में क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सरल जीवन बीमा योजना की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उस कंडीशन में किसी प्रकार का वेटिंग पीरियड नहीं होता है। एक्सीडेंटल डेथ के केस में अगर पॉलिसी लेने के नेक्स्ट डे ही इंश्योरेंस होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा क्लेम पास कर देगी, लेकिन बाकी किसी भी प्रकार के डेथ के लिए कम से कम 45 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा, और सुइसाइडल केस के अंदर 1 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। 1 साल के अंदर सुइसाइड से रिलेटेड क्लेम पास नहीं होता है। तो वेटिंग पीरियड यहां पे रहेगा 45 दिन का, एक्सीडेंटल डेथ के केस में किसी प्रकार का वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लोन अगेंस्ट पॉलिसी।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो LIC की पॉलिसीज होती है उसके अगेंस्ट हम लोन ले सकते हैं LIC से, लेकिन जो टर्म प्लान की बात आती है तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार का लोन है वो पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ सरल जीवन बीमा प्लान की बात नहीं है, कोई भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट आपको कभी भी लोन नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मैच्योरिटी बेनिफिट्स। तो जैसा कि ये टर्म प्लान है तो यहाँ पे अगर डेथ इससे पहले हो जाती है मैच्योरिटी से, यानी जहां पे आपकी पॉलिसी एंड होती है, जैसा कि हमने बात किया था 70 वर्ष में, अगर आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी तक अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, परिवार को पॉलिसी अमाउंट दे देगी। यानी आपने 70 वर्ष तक के लिए पॉलिसी ले रखा है और 70 वर्ष से पहले डेथ हो जाती है तो परिवारजनों को वो जो अमाउंट सम एश्योर्ड है वो मिल जाती है। लेकिन अगर डेथ वो 70 वर्ष के बाद होती है तो क्या होगा, यहाँ पे परिवार को कुछ भी अमाउंट नहीं मिलता है। सिर्फ उसी केस में मिलता है जब पॉलिसी धारक की डेथ पॉलिसी एंड होने से पहले हो जाती है तो सम एश्योर्ड मिलता है, अदरवाइज कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ये हर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में कंडीशन रहता है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी प्रकार का मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इंश्योरेंस है। जैसा कि हम गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस, आपने कार का इंश्योरेंस लिया, आप 20,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, लेकिन अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है, अगर एक्सीडेंट नहीं होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं देगी क्योंकि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं किया है, वो आपने इंश्योरेंस के हिसाब से किया है। तो सिमिलरली टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं लेते हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वहां पे अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बेनिफिट देती है। नेक्स्ट बात आती है ओनली टू राइडर्स, यानी इस पॉलिसी में आपको सिर्फ दो राइडर्स मिलते हैं। पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ राइडर और दूसरा राइडर है परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। इस पॉलिसी को सिंपल बनाए रखने के लिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने के लिए ईडाई ने सिर्फ दो ही राइडर्स अलाउ किए हैं, वो है एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिजेबिलिटी, ताकि इसके प्रीमियम को सिंपल रखा जा सके, पॉलिसी की वर्डिंग्स को सिंपल रखा जा सके और आम आदमी इस भाषा को समझ सके। अगर क्रिटिकल इलनेस की बात आएगी उसमें 50 चीजें ऐड की जाएगी कि ये क्रिटिकल इलनेस इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, ये डिजीज इस स्टेज में इंक्लूड होगी, ये डिजीज उस स्टेज में इंक्लूड होगी, ये सारी चीजें जो होती है वो पॉलिसी को कॉम्प्लेक्स बना देती है और जो आम आदमी जो अभी तक इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता था वो इस पॉलिसी को नहीं लेगा। इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस पॉलिसी को कम कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और इसमें सिर्फ दो राइडर्स ही अलाउ किए गए हैं। नेक्स्ट जो बात आती है नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड। आप जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कोई टर्म प्लान लेते हैं तो दोस्तों सब पहली जो कंडीशन होती है वो रहती है कि आपको इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा। वो इनकम का प्रूफ आपका सैलरी सर्टिफिकेट हो सकता है और सैलरी स्लिप हो सकता है, या आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं वो आपका इनकम प्रूफ हो सकता है। लेकिन इस पॉलिसी में क्या है, आपको किसी प्रकार का इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लगभग 6 करोड़ लोग ITR फाइल करते हैं, जबकि भारत की पॉपुलेशन है वो 138 करोड़ के आसपास रहती है। 138 करोड़ में अगर हम 38 करोड़ बच्चे भी मान लेते हैं जो बच्चे हैं, ठीक है, वो पॉलिसी नहीं लेना चाहते हैं, तो बाकी 100 करोड़ लोग हैं उनको पॉलिसी लेना है, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 करोड़ लोग ITR फाइल करते हैं। बाकी जो 94 करोड़ लोग हैं उनके पास कोई इनकम का रेगुलर प्रूफ नहीं है, इस कारण क्या है उन लोग पॉलिसी लेने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए ये एक छोटा टर्म प्लान है वो इडा ने लॉन्च किया है जिसके लिए इनकम प्रूफ और ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ताकि हर व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जो और जॉब्स कर रहे हैं उन लोगों को भी पॉलिसी लेने में दिक्कत ना हो, उनको भी अपनी सोशल सिक्योरिटी है, अपनी परिवार की सिक्योरिटी है, वो लोग कर सकें। तो इसमें किसी प्रकार का इनकम प्रूफ है वो नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बात आती है वो है सेम प्रीमियम फॉर सेम एज।
जैसे आप अगर बाकी टर्म प्लान्स में जाते हैं तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करता है उसके लिए प्रीमियम ज्यादा हो और कोई व्यक्ति जो दूसरी इंडस्ट्री में काम करता है उसके लिए प्रीमियम कम हो। लेकिन एडीआई के केस में, इस सरल जीवन बीमा के केस में क्या रहेगा, आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, चाहे आप किसी भी लोकेलिटी में रहते हो, किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री रहते हैं, और चाहे आपकी एनुअल इनकम कुछ भी हो, आपका जो प्रीमियम होगा अगर आपकी उम्र सेम है तो सेम प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। किसी प्रकार का प्रीमियम डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये थे 10 पॉइंट्स जिसमें हमने पूरा सरल जीवन बीमा टर्म प्लान को कवर कर लिया है, और मेरे हिसाब से अब कोई भी चीज ऐसी नहीं बची होगी जो शायद आपको नहीं पता चली होगी सरल जीवन बीमा के बारे में। और अगर कोई चीज बची है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो कैसा लगे आपको ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आप मुझसे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं दोस्तों वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।